Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be continuing with our second chapter of history where we'll study about socialism in brief. We'll be continuing with our chapter number 2 only, which is all about socialism in Europe and the Russian Revolution. In my previous video, I have shared the concept what do we mean by socialism. I'll just give you a quick revision here. Socialism is what? It is an ideology which believes in equal distribution of resources. Okay, socialism मतलब जो equality में believe करेंगे, सारी society को एक साथ लेके चलेंगे. Okay, therefore हमने इस ideology के बारे में पढ़ा कि how the idea of socialism was getting famous at that time. Okay, also in my previous video I have told you about the society of Europe, how it was divided into three categories which were the liberals, the radicals and the conservatives. उन सब के आइडियाज देखे, किस चीज में बिलीव करते थे, कौन कौन से लोग वहां चेंज लाना चाहते थे. ओके, सो एज वी ऑल नो दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ अराउंड मिड 19th सेंचुरी. ओके, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम स्टोरी एंड लेट्स सी द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप. ओके, अब हम देखेंगे कि सोशलिज्म कैसे आया यूरोप में. एज वी ऑल नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लोगों के पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई थी. दे वर नाउ अवेयर ऑफ द सेवरल राइट्स दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज ब्रॉट. नाउ द न्यू आइडिया ऑफ द सोशलिज्म वॉज ऑल्सो इमर्जिंग. पीपल वर गेटिंग टू नो द न्यू आइडियाज. अब उनको समझ में आ रहा था अगर ये आइडियाज अगर हमारे नेशन में आएंगे तो हमारे लिए कितने बेनिफिट हो सकते हैं, हाउ लाइवली द सोसाइटी विल बी फॉर द पीपल टू लिव इन. ओके, देयरफॉर लेट्स टॉक अबाउट हाउ दिस आइडिया गॉट फेमस और हाउ दिस आइडिया केम इनटू यूरोप. नाउ एज वी ऑल नो, इन मिड 19th सेंचुरी द आइडिया वॉज वाइड स्प्रेडिंग. ओके, विच आइडिया? द सोशलिज्म आइडिया बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा था. वाइड स्प्रेड मतलब फेमस हो रहा था, लोगों को पता चल रहा था इस आइडिया के बारे में, लोग जान पा रहे थे कि क्या आइडिया है और उनको पता भी था अगर ऐसा कुछ आएगा तो हमें बहुत फायदा रहेगा. व्हाई? बिकॉज देयर वाज सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच वॉज द लोअर स्ट्रेटा जो बहुत ज्यादा परेशान थे. लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कंडीशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाले टाइम पे, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा वर्क आवर्स थे, वेजेस बहुत कम थी, पुअर हाउसिंग कंडीशंस थी, सैनिटाइजेशन भी बहुत पुअर कंडीशन में थी. ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. सो नाउ पीपल वांटेड अ चेंज. ओके, अब हम बात करेंगे जो ये आइडिया सोशलिज्म जो फेमस हो रहा था, जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे, जो इसके अंदर बिलीव करते थे, जो चाहते थे सोशलिज्म आए, दैट पीपल वर नोन एज द सोशलिस्ट. उन लोगों को हम क्या बोलते थे? सोशलिस्ट. ओके, तो सोशलिज्म एक हमारी क्या है, एक आइडिया था, जो कि एक आइडियोलॉजी जो लोग चाहते थे कि आए, जो इस आइडिया को फॉलो करते थे, इस आइडिया में बिलीव करते थे और चाहते थे कि ये आइडिया लाया जाए, उन लोगों को हम बोलेंगे सोशलिस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूं, मैं सोशलिज्म के अंदर बिलीव करती हूँ, मुझे इक्वालिटी में बिलीव है. ओके, मैं चाहती हूँ सब चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, तो मैं किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही हूँ? मैं सोशलिज्म को फॉलो कर रही हूँ. देयरफॉर आई विल बी कॉल्ड एज सोशलिस्ट, क्योंकि मैं इस आइडिया में बिलीव करती हूँ. ओके, नाउ मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द पीपल हु वर नोन एज सोशलिस्ट. जो आप इन लोगों की बात करेंगे जो इस आइडिया में बिलीव करते थे, द सोशलिस्ट पीपल. ओके, दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एज दे कंसिडर्ड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. अब सोशलिस्ट जितने भी पीपल थे, जो भी लोग इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, ये इन लोगों का मानना था कि मेजर सब चीजों की जड़ क्या है, सब प्रॉब्लम की जड़ क्या है यूरोप में, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है ना, भी लोगों ने अपनी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी इकट्ठी करके रखी है एंड ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का लालच ही जो है वो ही हमारी हर प्रॉब्लम की जड़ है. ओके, देयरफॉर द सोशलिस्ट बिलीव दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द ओनली रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन यूरोप. ओके, नाउ लेट मी गिव यू एन इलस्ट्रेशन हियर सो दैट द स्टेटमेंट Why they were against private property is clear to you all. अब यहाँ हम example की बात करते हैं कि socialist private property के against क्यों थे. Okay, suppose किसी ने factory लगाई है,
ओके तो फैक्ट्री लगाई या इंडस्ट्री पूरी सेटअप की, दिस इंडस्ट्री इज द ओनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर मैं कोई जाके फैक्ट्री लगाती हूँ तो मैंने अपने खुद के पैसे इन्वेस्ट किए ना, वो मेरी खुद की प्रॉपर्टी हुई। अब ये तो है नहीं कि कोई भी आके बोल सकता है ये फैक्ट्री मेरी है, नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं उस फैक्ट्री में। ओके देयरफॉर जितने भी उस टाइम में रिच पीपल थे या बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंडस्ट्री सेट करते थे एंड दे यूज टू हायर वर्कर्स, लोगों को हायर करते थे क्योंकि इंडस्ट्री तो लगा दी, उनका काम था पैसे लगाना, लेकिन एक्चुअल काम कौन करेगा उधर? द वर्कर्स हु विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड द कमोडिटीज देयर। दीज आर द पीपल हु वर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर लॉन्ग आवर्स एट पुअर वेजेस इन ऑर्डर टू मेक द गुड्स फॉर द सोसाइटी, राइट? तो ये जो इंडस्ट्री है दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके एंड अगर जैसे मैं हूँ, मैंने इसमें पैसे लगाए, विल आई बी कंसर्न अबाउट द हाउ द कंडीशन ऑफ वर्कर्स आर देयर, लोग किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो मेरा कंसर्न नहीं रहेगा क्योंकि मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ओके देयरफॉर मेरा कंसर्न क्या रहेगा कि कितना प्रॉफिट मैं जनरेट कर सकती हूँ, कैसे मेरी लागत पूरी हो सकती है, जितना पैसा मैंने लगाया है इंडस्ट्री सेट करने में मैं कैसे उस पैसे को जल्दी अपना रिटर्न कर सकती हूँ, राइट? सेम कंसर्न रहता है। देयरफॉर द वर्कर्स हु आर वर्किंग हियर और वर्किंग अंडर द इंडस्ट्रियलिस्ट, so the work industrialists you are not concerned about their condition, right? therefore why socialist considered private property as the root cause, it is the only reason ki jo private property hai kisi ki that will be concerned with the only major reason of the profit, pe kitna profit wo generate kar sakte hain, okay, and not about the workers or the people working there. therefore they considered private property as the root problem of the society. So the socialist wanted a society where as a whole they control the property. एक ऐसी society जहां private property का कोई concept ही ना हो और सारे लोगों के पास equal resources हो, equally distributed हो और जो भी profit generate हो वहां society में that is again also equally distributed among the society. ओके नो मैटर किसकी प्रॉपर्टी है किसकी नहीं, वो चाहते थे कि ऐसे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए और एज अ होल अगर मैं बोलूं, अगर ये कोई इंडस्ट्री है मेरे एरिया में तो उस इंडस्ट्री को बोला जाएगा कि ये इंडस्ट्री इस एरिया की है एंड नॉट दैट दिस इंडस्ट्री बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ओनर। तो उनका कॉन्सेप्ट क्या था सोशलिस्ट का कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारी सोसाइटी में That should be controlled by, wholly by the society. सब मिलके उस पर कंट्रोल रखें, सबको उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और दूसरा जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा सब में इक्वली बटेगा। ओके ये मैंने आपको बताया था सोशलिज्म का आइडिया क्या है, इट बिलीव्स इन द सोसाइटी, इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी एंड दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ओके So after studying about the idea of socialism, the socialism kya idea tha and the people who were following it, the socialists, what kind of change they wanted. ठीक है हमने ये पढ़ा ना कि क्या चाहिए था उनको, they wanted to abolish the concept of private property. अब आप सोच रहे होंगे idea पता चल गया लेकिन कोई तो होगा जो इस idea को लेके आया है, who is the founder of this idea? तो अभी हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके सो टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, इट इज एन आइडिया, मीनिंग हमें पता चल गई है क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों चेंज चाहिए था, क्या कैसा चेंज चाहिए था उनको सोसाइटी में, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फाउंडर कौन है। कोई भी आइडिया है, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कोई भी आइडिया है इट इवॉल्व विद टाइम। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, सपोज ये कोई पर्सन है इसने सोशलिज्म का आइडिया दिया, ओके ये आइडिया इसने नेक्स्ट इंसान से डिस्कस किया, अब जो इसने समझा, जो इसकी समझने की कैपेसिटी है, जो इसको समझ में आया अकॉर्डिंगली उसने इसकी बात को समझ के और थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड कर दिया, ओके अपने हिसाब से, फिर आगे जाके ये इंसान किसी और से बात करेगा तो जाके एडिशन हो जाएगा, और क्योंकि हर इंसान अलग है, हर किसी की सोचने की कैपेसिटी अलग है, देयरफॉर वी से
idea always evolve with time. Okay, छोटा सा example देती हूँ. For example, कोई भी machine की invention में. Okay, या for example, let's take the invention of mobile phone. मोबाइल फोन की इन्वेंशन क्यों हुई थी? ताकि इजिली हम घूम फिर के कहीं भी हम बात कर सकते हैं. क्योंकि पहले जो लैंडलाइन था, इट वॉज प्लेस एट अ फिक्स्ड प्लेस. ओके भाई, वहीं खड़े होके हम उस चीज को यूज कर सकते हैं. मोबाइल का आइडिया क्या था? मोबाइल मतलब यू कैन इजिली मूव एंड टॉक, राइट? लेकिन उसके साथ साथ जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आ गए. कैमरा आया, प्लेइंग एप्स आ गई हैं, टेक्स्टिंग फैसिलिटीज आ गई. तो टाइम के साथ साथ आइडिया इवॉल्व होते होते अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आ गई है. इनिशियली जो फोन आए थे, बटन वाले जो फोन थे, उसके अंदर था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? नो. क्या एप्स थी वहां चैट करने के लिए? व्हाट्सएप एंड फेसबुक एक्सेट्रा? नो. सो द आइडियाज ऑलवेज इवॉल्व विद टाइम. ओके, सिमिलरली सोशलिज्म के केस में भी ऐसा ही होगा बच्चों. सोशलिज्म जो आइडिया है, ये कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, उसके बारे में बात करेंगे. एंड हाउ द आइडिया इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड हाउ इट बिकेम फेमस अमंग द पीपल. ओके, वी हैव स्टडीड दैट सोशलिस्ट वांटेड अ चेंज. इन लोगों को एक चेंज चाहिए था सोसाइटी में. ओके, नाउ वी आर वंडरिंग हु वुड हैव गिवन द आइडिया ऑफ दिस चेंज. दिस इज द साइन यूज्ड हियर फॉर द चेंज. ओके, अब आप हम सोच रहे हैं कि किसने ये आइडिया दिया था कि हमें चेंज चाहिए. ओके, देयरफॉर जैसे मैंने आपको बताया, आइडिया जो है वो इवॉल्व करते हैं. ओके, सिमिलरली इस केस में, सोशलिज्म के केस में भी, देयर इज नॉट ओनली वन पर्सन बट देयर आर डिफरेंट फिलोसफर्स, थिंकर्स, पीपल हु आर बिहाइंड दिस आइडिया, जिन्होंने इस आइडिया के बारे में बात की. एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड टू दिस ideology of socialism. So the idea of socialism, कि जब हम बात करते हैं तो यहाँ चार thinkers की main बात होती है. One is Robert Owen, other is Louis Blanc, and next is Karl Marx. इनका काफी major contribution रहा है इस ideology के पीछे, इस philosophy के पीछे. Who is Karl Marx? इनका major contribution है, हम पढ़ेंगे सबके बारे में in brief. Okay, and also Friedrich Engels. ये कुछ चार फिलोसफर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं और रिलेटेड है इस कॉन्सेप्ट सोशलिज्म से. तो अब हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में. ओके, अब हम बात करेंगे उन चार फेमस फिलोसफर्स की इन ब्रीफ. बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. जितने भी सोशलिस्ट थे, उन सबका डिफरेंट विजन था फ्यूचर को लेके. ओके, दो दे बिलीव्ड इन द सेम आइडियोलॉजी, लेकिन उनका नजरिया अलग था भाई फ्यूचर ऑफ यूरोप कैसा होना चाहिए. ओके, एंड सम ऑफ देम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स. उनमें से कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जो कि आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स के अंदर बिलीव करते थे. ओके, व्हेन आई से कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव इज एन आइडिया इन विच एसोसिएशन ऑफ पीपल विल वर्क टूगेदर and they will earn profit and divide this profit according to their work. अब कुछ socialists ऐसे थे जो कि idea of cooperative के अंदर believe करते थे. Okay, cooperative का idea क्या है? भाई बहुत सारे लोग इकट्ठे होके एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे और profit कमाएंगे. अब उस profit को कैसे divide किया जाएगा? जिस हिसाब से जिस individual ने काम किया है, काम के हिसाब से उस profit को divide कर दिया जाएगा. जिसने ज्यादा काम किया है ज्यादा प्रॉफिट, जिसने काम नहीं किया है तो नो प्रॉफिट. एज सिंपल एज दैट. तो कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे, एंड अमंग देम टू ऑफ वर रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्लैंक. फ्यू मिनट्स एगो जब मैं आपको बता रही थी कि आइडिया ऑफ सोशलिज्म से रिलेटेड कुछ चार फेमस पर्सनैलिटी हैं, जिनमें से दो है रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्लैंक. ओके, these were the two philosophers who believed in the idea of cooperative. Cooperative kya hai? Log milke kaam karenge and according to their work the profit will be divided. Okay, now ab aap dekhoge ki idea same hai lekin ka vision alag hai, concept alag tha us idea ka. Okay, jaise ki Robert Owen ki agar hum baat kare, inka time period hai 1771 to 1858. Okay, he believed in building up the cooperative. उनको भी चाहिए था कि कोऑपरेटिव
बनाए जाए, लोगों को बुलाया जाए, सो दैट पीपल वर्क इन एसोसिएशन टुगेदर एंड अर्न प्रॉफिट टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर वर्क कैपेसिटी. ओके, नाउ दिस बिल्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स वाज अकॉर्डिंग टू द न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए. अब इसका बेस ये है, इसके पीछे की कहानी ये है, रॉबर्ट ओवन जो कि इंग्लैंड में पैदा हुए थे, ही वेंट टू यूएस. दैट टाइम दिस रीजन वॉज नोन एज इंडियाना, यूएसए वाले रीजन में गए. वहाँ क्यों गए? कि उनको पैसे कमाने थे. ओके, एंड ऑल्सो ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ अ सोशलिस्टिक सोसाइटी. ओके, उन्होंने वहाँ जाके फैक्ट्री लगाई और वहाँ जाके उन्होंने अपने कोऑपरेटिव्स को बिल्ड करना शुरू किया. ओके, देयरफॉर ये लाइन लिखी गई है, ही सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव इन न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए. ओके, उस रीजन में. देयरफॉर उनका आइडिया क्या था? बिल्डिंग अप अ कोऑपरेटिव थ्रू अ कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव. कैसे बनेगी कोऑपरेटिव यहाँ? कि सब लोग मिलके आएंगे एक साथ, पीपल टुगेदर इन एन एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल विल कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर. उनका आइडिया था ये, दैट पीपल थ्रू देयर कलेक्टिव इंडिविजुअल इनिशिएटिव खुद आके मिलके ज्वाइन करेंगे, यहाँ मिलके काम करेंगे, दैट विल फॉर्म द कोऑपरेटिव हियर. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ रॉबर्ट ओवन. Now talking about another personality, Louis Blanc, who is another important philosopher related to the concept of socialism. अब इनका time period है 1813 to 1882. जैसे मैंने आपको starting में बताया था, ideas जो है evolve करते हैं with time. अब जब Louis Blanc आएंगे, he is again a very important personality. इनको ध्यान से सुनना, क्योंकि Russian Revolution जब हम करेंगे इसी chapter के अंदर, तो इनकी बहुत बात होगी और इनके आइडियाज के बारे में भी बात होगी, तो रिमेंबर हिज आइडियाज. ओके, तो लुइस ब्लैंक के अकॉर्डिंगली ही आल्सो सपोर्टेड कोऑपरेटिव्स. वो भी चाहते थे कि कोऑपरेटिव्स बने, बट ही वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज द कोऑपरेटिव. वो चाहते थे कि कोऑपरेटिव जो बन रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, ये किसका इनिशिएटिव होना चाहिए? सरकार का इनिशिएटिव. गवर्नमेंट शुड एनकरेज द कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस द कैपिटलिस्टिक. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट था, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनको हटाया जाए और कॉरपोरेटिव सेट किया जाए. लेकिन यहाँ इंडिविजुअल खुद नहीं आएंगे, लोग खुद अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, बल्कि सरकार उनकी मदद करेगी. ओके, एंड ही बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट द कॉरपोरेटिव. और सरकार का ही काम है और सरकार को ही ये कॉर्पोरेटिव सेट करने होंगे, लोगों को इकट्ठा लाना होगा. ओके, तो आपने देखा कि रॉबर्ट ओवन और लुइस ब्लैंक दोनों ही सेम आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, कॉर्पोरेटिव्स के अंदर बिलीव करते हैं, सोशलिस्टिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी में बिलीव करते हैं, लेकिन विजन दोनों का अलग है. रॉबर्ट ओवन चाहते हैं कि इंडिविजुअल खुद इनिशिएटिव लें, कलेक्टिव इनिशिएटिव, मिलजुल कर लोग साथ आए. Whereas Louis Blanc चाहते हैं कि सरकार ऐसा काम करे, सरकार लोगों को साथ लेके आए. ओके, अभी हमने समझा कि दो ऐसे फिलोसफर्स थे जो कि कॉर्पोरेटिव के आइडिया के अंदर बिलीव करते थे. कौन कौन थे? रॉबर्ट ओवन एंड लुइस ब्लैंक. अब बात करेंगे अनदर टू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, हु इज कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल. ओके, So, जैसे मैंने आपको बताया था, आइडिया जो है वो इवॉल्व होगा टाइम के साथ. सो सम ऑफ द सोशलिस्ट एडेड सम आर्ग्यूमेंट्स इन द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. अब कुछ और सोशलिस्ट हैं लाइक कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल, जिन्होंने आइडियाज को ऐड किया इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म. सो लेट्स डिस्कस व्हाट वर द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल. जैसे कि आइडियाज इवॉल्व होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, दैट टाइम द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जब हमने फर्स्ट पार्ट में कंडीशंस ऑफ वर्कर के बारे में बात की थी, एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर द कैपिटलिस्ट वर द वन हु वर द ओनर्स. जो ये कैपिटलिस्ट हैं, जो ये पैसे वाले हैं, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग कौन है? दे आर द ओनर, जो इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर. ओके, हमने पैसे लगाते हैं, एंड देयरफॉर जो भी इन फैक्ट्रीज से हमारे प्रॉफिट निकल के आता है, वो प्रॉफिट
ऑनर्स को मिलता है, लेकिन जनरेट कौन करता है, काम कौन करता है, सामान कौन बनाता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिट जनरेट होता है, दीज आर दी वर्कर्स, राइट? सो द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज दैट द वर्कर्स हु वर प्रोड्यूसिंग द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे काम करके दिन रात, उनकी कंडीशन में तो कोई सुधार नहीं था. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स रिमेन द सेम, बट द प्रॉफिट गोज टू द ओनर्स. जो एक्चुअल जो लोग जनरेट कर रहे थे प्रॉफिट, उनको तो कुछ हिस्सा नहीं मिलता था, उनकी हालत तो वैसे ही खराब थी. लेकिन जो ओनर्स थे, जो पैसे लगाते थे, वो सारा प्रॉफिट ले जाते थे. देयरफॉर द रिच वॉज गेटिंग रिचर. नाउ विल सी दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड विल सी हाउ द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल ब्रॉट इन द रेवोल्यूशन. मतलब जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल थे, दे वर फ्रेंड्स ओनली, ठीक है, दोनों दोस्त थे और इन दोनों ने मिलके ऐसे कुछ चीज़ें लिखी. इनकी राइटिंग वॉज सो पावरफुल कि दैट राइटिंग ब्रॉट द रेवोल्यूशन इन रशिया. अब हम पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि जिसकी वजह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा अभी. ओके, मार्क्स क्या चाहते थे, कार्ल मार्क्स वॉन्टेड The workers are required to free themselves from the capitalistic exploitation. जो workers हैं, जो industry में काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके profit generate करते हैं, and the profit is taken away by the capitalist. Okay, so he wanted the workers to free themselves. भाई अपने आप को free करो from the exploitation of capitalist people. जो कि जिन जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो तुम्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, दिन रात काम करवाते हैं और काम के बदले तुम्हें प्रॉपर वेजेस भी नहीं देते हैं, एंड इन रिटर्न जितना भी तुम प्रॉफिट जनरेट करते हैं करते हो, वो प्रॉफिट भी ले जाते हैं. तो दे द कैपिटलिस्ट पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स एंड वी वॉन्टेड द वर्कर्स टू फ्री देमसेल्फ. भी खुद को फ्री करो इनके एक्सप्लॉइटेशन से. और तुम अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हो, by overthrowing the rule of the private property. जो ये concept है private property का, उसको ही खत्म कर दिया जाए society में. And instead of private property, किस चीज का concept आए वहाँ, the concept of controlling the property socially, which was the basic concept of the ideology of socialism. ये तो हम पढ़ते आए हैं कि socialist जो लोग थे वो क्या चाहते थे, concept of private property खत्म करना. तो हमने देखा चार फिलोसफर्स थे जो कि मेन है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. सबका बेस आइडियोलॉजी जिस पे बिलीव करते थे वो सेम है, बट द विजन इज डिफरेंट. दो चाहते हैं कि कॉपरेटिव सेट हो, दोनों का विजन भी जो कॉपरेटिव सेट करना चाहते हैं उनका भी सेम नहीं है. वेयर एज जब कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक की बात करेंगे, ये लोग चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए. एंड इनके कॉन्सेप्ट से, इनकी राइटिंग से इतनी पावरफुल थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक की रेवोल्यूशन आएगा, और रेवोल्यूशन के टाइम एक न्यू सोसाइटी इमर्ज होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द कम्युनिस्ट सोसाइटी. दिस विल बी स्टडिंग इन आवर कमिंग चैप्टर. ओके, नाउ आफ्टर लर्निंग अबाउट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड ऑल्सो अबाउट द फेमस पर्सनैलिटीज और द फिलोसफर्स और द थिंकर्स रिगार्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, अब हम बात करेंगे द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. अब हम देखेंगे कि सपोर्ट कैसे ग्रो किया इन यूरोप एंड इन द रीजन ऑफ रशिया. ओके, सो बाय 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप. हमें पता है मिड 19th सेंचुरी के बाद सोशलिस्ट आइडियाज वर स्प्रेडिंग लाइक फायर. ओके, बहुत जल्दी जल्दी वाइड स्प्रेड हो रहा था. देयरफॉर This idea led to the formation of an international body which was called as the Second International. Okay, इस idea की वजह से एक नई formation हुई एक international body की. Okay, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई organization आई which was called by the name Second International. You must be wondering why Second International? ये कैसा नाम हुआ? क्योंकि इससे पहले दिस काइंड ऑफ सोसाइटी और या जैसे काम काम चल रहा था विच वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिस्ट, तो वो एक फर्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम था विच वॉज फॉलोड बाई ऑल द कंट्रीज.
भाई कैपिटलिस्टिक रूल था, पैसे वाले जो बिग ऑनर्स थे, बिग फैक्ट्री मैन थे, वो ही रूल कर रहे थे। देयरफॉर अब क्योंकि नया आइडिया आया है, नई चीज की फॉर्मेशन हुई है, तो इसलिए हमने इस इंटरनेशनल बॉडी को सेकेंड इंटरनेशनल नाम दिया। ओके नाउ अभी हमने देखा कि आइडिया इतना वाइड स्प्रेड हो रहा था कि इंटरनेशनल बॉडी भी बन गई सेकेंड इंटरनेशनल नाम से। सो विल सी दैट मेनी अदर एसोसिएशन ऑन दिस सिमिलर टर्म विल बी फॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों बनेंगे ये एसोसिएशन? सो दैट ये जो आइडिया है सोशलिज्म को वो पॉलिटिकली भी अवेयर किया जाए, लाया जाए, पॉलिटिकली भी सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए। ओके एंड एसोसिएशंस लाइक इन द रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी वाले एरिया में दिस सोशलिज्म कॉन्सेप्ट वॉज क्लोजली वर्किंग विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SDP जो पार्टी थी जर्मनी की, वो इस आइडिया को काफी सपोर्ट कर रही थी। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करेगी ऑब्वियस है, तो वो जो आइडिया है वो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में भी आ जाएगा। तो जब हम जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी की पार्टी कौन सी है? SDP, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके सिमिलर लाइन पे इंग्लैंड में जो लेबर पार्टी थी उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया आइडिया को, एंड फ्रांस में जो सोशलिस्टिक पार्टी थी उन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया। अब आप देख रहे हो कि काफी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज सपोर्टिंग दिस आइडिया। देयरफॉर अब ये जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है दैट विल बी प्रैक्टिकली अप्लाइड इन द वेरियस नेशन। ओके अब जितने भी ये सोशलिस्टिक एसोसिएशन बन रही थी, एसोसिएशन मतलब पीपल कमिंग टुगेदर, सब लोगों का एक ही कॉमन एजेंडा रहेगा। एसोसिएशन में लोग एक विचार के आके बैठ रहे हैं तो ऑब्वियस है उनका मेन एम या कॉमन एजेंडा रहेगा जिसके टुवर्ड्स वो फाइट करेंगे। सो द सिमिलर लाइन पे जो सोशलिस्टिक एसोसिएशन थी उनका भी कॉमन एजेंडा था। क्या एजेंडा था उनका? दे ऑल वर फाइटिंग फॉर अ बेटर लिविंग एंड वर्किंग बेटर वर्किंग कंडीशंस। दे वांटेड टू सेट अप फंड्स। They were demanding for reduction in working hours and right to vote. ये उनकी common demand थी कि हमें अच्छी better living conditions मिलनी चाहिए, हमारी जो working condition है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो वो workers ही हैं जो profit generate कर रहे हैं। Therefore workers की working condition better होनी चाहिए, fund बनाने चाहिए workers को support करने के लिए। उन्होंने demand की कि हमारे जो काम करने के घंटे हैं, वो जो हम long hours काम कर रहे हैं उनको रिड्यूस करना चाहिए। ऑल्सो हमें राइट टू वोट मिलनी चाहिए। सो दीज आर द कॉमन एजेंडा और द कॉमन डिमांड्स ऑल ऑफ द सोशलिस्टिक एसोसिएशंस वर वर्किंग फॉर। ओके इन 1914 सोशलिस्ट वर नेवर सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ओके उनकी सरकार कभी नहीं बनी टिल 1914, बट उनके जो आइडियाज थे दैट वर गेटिंग इन टू द शेप। उनके आइडियाज बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे और लेजिस्लेशन के अंदर भी आ रहे थे। सरकार जब बन रही थी वहां तो उनके आइडियाज को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन टिल 1914 सोशलिस्टिक लोगों की कभी भी गवर्नमेंट नहीं आई, सरकार नहीं आई। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस थिंग्स अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म and the meaning and the founders related to the concept. Okay, it's time for Tone Your Brain. This section is basically for you guys to let you know what you have gained from this video. And you guys need to answer all these questions in the comment section along with your name. Number one question of the day is, name the philosophers related to the ideology of socialism. You guys need to name all the philosophers or the thinkers who are related to the ideology of socialism. Right? Second question here is, define the word cooperative. You need to define the word cooperative which we have used in this video. Okay. Third question for the day here is, write down the major difference between the ideas of Lewis Black and Robert Owen. आपको इन दोनों philosophers के ideas के बीच का जो major difference है, ओके वो लिखना है, दैट ऑल्सो इन वन लाइन, ओके सिंगल लाइन में कंप्लीट करना है, बिकॉज देयर इज ओनली अ माइनर डिफरेंस बिटवीन बोथ द फिलोसोफर्स। ओके
Then the last question here is, write down the ideas of Karl Marx. Karl Marx क्या चाहते थे, क्या उनका idea था regarding the socialistic society, आपको वो लिखना है. That's it for today's video guys. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.